खा कही आई से जी अब मेरे को अपन ये आई गए वही दिन आए कही लिया क्या पा बतावा ना चुड़िया हलाय दुकरबा ए हम जब तुम्हारी मर्जी। जे कब चलवा कल चला तू चला मैं मम्मी बीमार है पर मम्मी देख आई ना हम जाओ देख लो ना। अकेले हम किसी जाए देख ली हमें तो स्कूटी दिया है था वाह परी सिखाएगा हमें तो स्कूटी दिया है कौन? था तू राह दिया के चक्कर में डालने के हम जिस सबसे सीख ले रहे वाह भाई वाह, जमाना बदल गया भाई। हेलो नेहा पूछा चलावे जाना कि नहीं नहीं? स्कूटी चला ले तू ले आ तब साइकिल साइकिल जाना तू चला हुआ साइकिल हमहू जानी थे कहली मर्डे स्कूटी हम ना चला पाए जीजेस का तो स्कूटी हमें दिया था हम सीख के सिमरी चली जा तो हम परेशान न करब हम अपने लड़के को बैठाए स्कूटी में सामान डाला निकल ले भाई हमें स्कूटी दिया था हम अपन नैहरे चली जाओ तुम्हें लिया जाए चाहे लिया जाए हम एक नैहरे जा एक हमें सरवा दुदू साल हो जाए नैहरे गए जैसे लगा तो हम देश परदेश में आए ये सरो जी गांव की याद मेरा सर महीना नैहरे पहुंचा रहा था यार तुम समझ ले बॉम्बे में हो। काहे समझ ली जब ना आई तो हम सही, ना ही इच्छा रहे तो बंबई घुमाए लावा समझ काहे ली चलो फिर टिकट निकालते हैं। हाँ निकाल ले टिकट निकाल ले तो चलो बंबई घुमावा ये तो हमें लिया ही चल हमारे मम्मी लगे हम जा तो जा अपने भैया को बुलाओ, चले जाओ हम भैया ना बुलाए फिर। भैया भैया भी आके छुट्टी पाई गए तो अरे यार पूरी छुट्टी अब हम चली हैंडल करी बिया करते का दुलावा बन चला गया तो दुनिया जाते, हमू चला गए। मेरे को नई दुनिया बात है, तोरे तब भैया तो तो कह रहे रहते हैं, बैठ चला गए टोपा लगाए तोरे भैया तो कह रहे हैं। हमारा भैया घर माँ भैया निभाते ना 9 बजे रात ही लग रहे सहेली साथ में तू लिया जाबा ना ठंड 9 बजे रात तोरे कौन लिए सहेली है जो लिया जाए? क्या हाँ ना माँ मम्मी बुलाओ तो माँ भौजाई बुलाओ तो चला बात है यार, एंटी तो हमने कब लुगरी कहा यार तुम नहीं जाओगी फिर? हाँ? एठी लुगरी दिया था हम चली जाए ठीक, कोई बात नहीं, चलो। तो चलो नेहा भैया हम चलते हैं अपनी ससुराल बीबी को लेके। हाँ? नेहा तैयारी कर लो भैया, तैयारी कर अभी अभी आ रहे हैं, 1 घंटे में पहुंचेंगे। 1 घंटे में पहुंच जा बनी भगावे जिन लागू तो भैया हम जा रहे हैं अपने ससुराल। भैया हम जाते भी स्कूटी निकाले तू राहगर में ससुराल सर पहुंचाने पाई बा अपने स्कूटी चली जावे खाली हमें मिठाई दी भाई नहीं और तू तो सास की जो दे ले को दे ले दिया डिब्बा में भर दिया ले चली गया भाई खाली अपने माई जी ने दिखाया भैया भैया भैया, भगवान बचाए भैया को, भैया लोग को भगवान बचाए। सही कहा थी गलत कहा थी नहीं, एकदम 101% सही है। आजकल दमाद बेटवा फर्ज निभाते वाह वाह, हमार महतारी बीमार बा तो हमें लिया ही ना जाते हमार रोबत करफत बा बड़ा दुख हुआ सुन के, बड़ा जिनके दुख हुआ। महतारी बीमार है ससुराल में पड़ा रही है बताओ नहीं भैया देखिए, एक हाँ शादीशुदा लाइफ की कहानी ये है आदमी ये। लोग ना समझते ना इनसे कहा कही शादीशुदा अपने जिंदगी में माई होती छोड़ क्या के है, तू एक महीने प्रेशर क्या ससुराल ले होता लग है? जानी अब ये प्रेशर आप वो ऐसे देखिए, रहे ना ले जैसे हम ये काम करते ही चौका बर्तन चूल्हा वैसे वो तू करा हाँ नई जिम्मेदारी आ गई है ना ही हुआ रहा है खाते भैया। खाली ना जाए महीने ताई जैसे हम लोग यहाँ घिसी थे झाड़ू पोछा बर्तन कुल कर तो तू जाए महीना करा बिल्कुल देखा बिल्कुल, कितना खलास है 15 दिन 1 महीना करने का मतलब काहे ये सब करना है हमको भैया? है हाँ
अरे काहे मतलब ये पता है, चले मैं जब मतलब हम लोग करी थे, हम लोग नेहा के ऊपर बेबी, का बीता थे। नेहा अब जैसी बेबी, बात है मम्मी बोल चली गई, पहले गुस्सा ही बैठी पहले हमारा पहले मम्मी होता पहले है। पहले पहले मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो नेहा बेबी। 1 महीना बर्तन और चौका खाना बनाने के सजा का मतलब क्या है उसमें? क्यों ऐसा हो रहा भाई? नहीं, हम ये कह रहे हैं आपसे कि क्या खाली पूरी जिम्मेदारी घर की हाउस वाइफ के मतलब यही लोग संभालती हैं, बाहर हमारे लोगों में कोई जिम्मेदार नहीं है? नहीं ठीक, पहले हमारी बात सुनो। अगर हम बाहर से अरेंजमेंट ना करें तो घर में चूल्हा बर्तन सब फ्लाप हो जाएगा, तो क्या हमारी जिम्मेदारियां कम है भाई? फिर तो वही बात ना यार। अरे मैं तो समझ रहा हूं ना, जैसे कहने का मतलब हर आदमी को ना दूसरे का काम जो है ना बहुत हल्का लगता है। अब हमको लगता है यार घर में करना क्या है, बर्तन धुलना, खाना बनाना, कपड़े धुलना, झाड़ू पोछा, बस उसके बाद काम खत्म, यही होता है ना। और ये बीवी लोग क्या समझती हैं कि यार घर से खाली बाहर जाते हैं, बैठे रहते हैं, पैसा आ जाता है लेके चले आते हैं, फिर हो गया काम। तो इतना आसान नहीं होता अच्छा देखने नहीं आप में। लोग तो मायके जाए ना भैया, हमने कब कहा यार मायके मत जाओ? हाँ साले साहब की बातें निराली है यार। साले साहब क्या बोलते हैं? मैं क्यों मायके नहीं जाना? अरे नहीं जाना तो क्या मतलब यार, ससुराल भी तो घर जैसा होता है। हाँ? नहीं जाना नहीं जाना, वहां भी रहना, खाना क्या सोना हुई? है, बहुत बोल यहां रहा है। भी। 7 मिनट के 11 मिनट। तो भैया देखिए, ये घर वालियों की स्टोरी अभी सामने चल रही थी, बीच में हम भी आ गए थोड़ा सा, अब देखते हैं। कहानी बड़ी खराब होती है मुझे भैया, लगता है शादी सही करना है। जो है ना मुसीबत की जैसी है। इनकी सुनो, उनकी सुनो, या फिर अपनी सुनाओ। तो चलिए रखते हैं, थोड़ा ब्रेक लेते हैं आपसे। गुड बाय, नमस्ते।